हरे कृष्णा सभी को। तो आज की ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, डिमांडेड वीडियो है, क्योंकि बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि हम कृष्ण की भक्ति कैसे करें, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे आए, हम राधा माधव की भक्ति कैसे करें। तो मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, जिसे कृष्णा चूज करते हैं वही उनकी भक्ति कर सकता है, बट कृष्णा उसे जरूर चूज करते हैं जो उनकी भक्ति करना चाहता है, जो उनकी सेवा करना चाहता है, जिनसे प्रेम करता है, उसे वो जरूर चूज करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करनी है, और मैं आपको सबसे इजी स्टेप्स बताऊंगी आज इस वीडियो में, और मैं लास्ट में आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करूंगी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के लिए, कृष्ण के करीब आने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो को स्किप कर करके बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि मे बी जो 10 सेकंड आपने स्किप किया है उसमें मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट कहा हो जो आपने मिस कर दिया, और इस छोटी सी गलती की वजह से आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में ना आ पाए। तो चलिए वो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जानते हैं जो हमें भक्ति में लाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको भगवद गीता लेना है और उसे रीड करना है, और आपको ये वाला भगवद गीता ही लेना है जो एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा है, और ये वाली भगवद गीता बहुत सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, और भी बहुत सारे। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की भगवद गीता लेना। आप अपनी नियर इस्कॉन टेम्पल से भी ले सकते हैं, और अगर आप के घर से स्कॉन टेम्पल ज़्यादा दूर है तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, मैं बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो बैक टू द पॉइंट, भक्ति में आने के लिए सबसे पहले भगवद गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवद गीता स्वयं श्री कृष्ण की वाणी है, उसमें स्वयं परम ब्रह्म श्री कृष्ण ने जो कहा है वो है। तो जब आप पहली बार भगवद गीता पढ़ेंगे तो पहली बार में आपको सब कुछ समझ में नहीं आ जाएगा, पर जब आप अपने अंदर अर्जुन की क्वालिटीज रख करके भगवद गीता समझने की, पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको धीरे धीरे एक दो बार पढ़ने से सब कुछ समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि मेरे पास तो भगवद गीता पढ़ने का टाइम नहीं होता। तो टाइम निकालना पड़ता है, मेरे पास भी टाइम नहीं होता, बट मैं अपना स्पेशल टाइम निकालती हूँ स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने के लिए, जैसे भगवद गीता, ईसो उपनिषद, श्री प्रभुपाद जी के बुक्स, जर्नी टू दी अदर प्लैनेट्स, और भी बहुत सारे। पर स्टार्टिंग में हमें सिर्फ भगवद गीता रीडिंग से ही स्टार्ट करना है, और पर डे कम से कम एक श्लोक भी पढ़ना है और उसका डेफिनेशन यानी अनुवाद। जैसे अगर आपके पास ज़्यादा टाइम होता है तो आप ज़्यादा रीड करने की कोशिश करिए भगवद गीता, बट अगर आपके पास इनकेस टाइम नहीं होता है तब आप पर डे एक श्लोक भी कम से कम पढ़िए। मतलब अपना टारगेट फिक्स करके रखना है कि हमें पर डे कम से कम भगवद गीता का 1 श्लोक भी और उसका अनुवाद पढ़ना है। जैसे जब एक लवर को वो जिससे प्यार करता है उसका लव लेटर मिलता है, तो कैसे वो पहले कोई शांत जगह खोजता है, वहाँ पे आराम से बैठता है, फिर एक लेटर को 2 से 3 बार पढ़ता है, वैसे ही भगवद गीता हमारे लिए कृष्ण के द्वारा भेजी गई लव लेटर है। तो हमें भगवद गीता को भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है। और भगवद गीता समझने का एक बेस्ट वे मैं आपको बताती हूँ जो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। आप जब भी भगवद गीता पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, तब आप जो चैप्टर रीड कर रहे हो उसका लेक्चर अपने फ़ोन में लगा लो जिसमें उस चैप्टर को समझाया जा रहा हो, और नोट्स बनाइए जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगे उसका, और इम्पॉर्टेंट लाइन्स को हाईलाइट कर दीजिए। सो भक्ति में आने के लिए सबसे पहले भगवद गीता पढ़ना ही पढ़ना है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है भक्ति में आने के लिए। और दूसरा स्टेप ये है कि हमें चैंटिंग करनी है, भक्ति में नए हो या पुराने, चैंटिंग स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चैंटिंग यानी जपा, और जपा करने के लिए आपको सबसे पहले ऐसी बीड बैग लेना है और बीड्स लेना है जिसपे आपको हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बीड बैग और बीड्स आपको स्कॉन टेम्पल में मिल जाएंगे, बट अगर आपके घर से स्कॉन टेम्पल दूर है या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से आप स्कॉन नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, बस अकॉर्डिंग टू स्कॉन टेम्पल ऑनलाइन थोड़ा महंगा मिलेगा। मैं बीड बैग और बीड्स ऑनलाइन बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से बाय कर लेना। वैसे तो एक दिन में हमें 16 राउंड्स चैंटिंग करनी है, जपा करनी है, बट स्टार्टिंग में आपको सिर्फ 2 राउंड से स्टार्ट करना है, बट अगर आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो ये तो बहुत बढ़िया है। तो पहले आपको 2 राउंड से स्टार्ट करना है,
फिर 2 से 4 करना है, 4 से 6, 6 से 8, ऐसे ही करते करते 16 तक पहुंचना है। भक्ति में आने के लिए या भक्ति में आगे बढ़ने के लिए चैंटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चैंटिंग में हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं और भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। हम जितना ज़्यादा भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे उतने ज़्यादा हमारे सिंस पाप खत्म होते जाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप है भक्तों का एसोसिएशन लेना, क्योंकि भक्ति में आने के लिए भक्तों का संग करना ज़रूरी है। सो भक्तों का एसोसिएशन लेने के लिए आपके शहर में जो भी इस्कॉन टेम्पल है आप वहाँ जाने की कोशिश करिए, क्योंकि वहाँ पे सब डिवोटीज होते हैं और वहाँ का नेचर भी बहुत अच्छा होता है। वहाँ पे सब साथ में कीर्तन करते हैं, भगवान के प्रेम में नृत्य करते हैं, सब साथ में महाप्रसादम पाते हैं। वहाँ पे लेक्चर्स होते हैं बाय सीनियर डिवोटीज और आपको अपने स्पिरिचुअल क्वेश्चंस का आंसर मिलता है। और वहाँ पे जाकर के जप करने का, चैंटिंग करने का तो अलग ही आनंद है। वहाँ पे सब एक दूसरे को प्रभु जी माता जी कह करके रिस्पेक्ट देते हैं। वहाँ पे सब एक दूसरे के साथ भगवत चर्चा करते हैं और वहाँ का नेचर बहुत पॉजिटिव होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मटेरियलिस्टिक इंसान नहीं होते हैं। और एक बार आप कृष्ण की कथाओं का, लीलाओं का श्रवण करिए, क्योंकि जब आप कृष्ण की कथाओं को, राधा रानी की कथाओं को, कृष्ण की लीलाओं को, राधा रानी की लीलाओं को सुनेंगे तो आपके मन में उनके लिए और ज़्यादा प्रेम जागेगा। और कोई इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी, वो ये है कि आपको ऐसे सर्कल में बिल्कुल नहीं रहना है जो सिर्फ गलत चीज़ें करते हैं, जैसे नशा करते हैं, बस इधर उधर की बातों पे उनका ध्यान रहता है, मतलब बस वो गलत चीज़ें करते हैं। ऐसे फ्रेंड सर्कल अगर आपका है तो उसमें आपको बिल्कुल नहीं रहना है। धीरे धीरे करके आप उसमें से हट जाइए, क्योंकि आपको लग रहा होगा मे बी जो वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं उन्हें आप कैसे छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे जा करके यही आपके सबसे बड़े प्रॉब्लम बनेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस में, भक्ति में आने के लिए या भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। सो पहले आप ऐसे सर्कल से बाहर आइए, क्योंकि आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे आप पे वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। ऐसे लोगों से दूर होकर के आप भक्तों का एसोसिएशन लेने की कोशिश करिए और इस्कॉन जाने की कोशिश करिए। अगर आपके घर से इस्कॉन बहुत ज़्यादा दूर है तो मंथ में एक बार भी इस्कॉन जाने की कोशिश ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप वैसे लोगों के करीब रहेंगे जो सिर्फ गलत चीज़ें ही करते हैं तो आप कृष्ण के करीब कभी नहीं जा पाएंगे। ऐसे लोगों का सर्कल छोड़ करके आप डिवोटीज का एसोसिएशन लेने का कोशिश करिए जो आपको कृष्ण के और करीब लेकर के जाएंगे। सो यही कुछ स्टेप्स था जो आपको फॉलो करना है कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के लिए, भक्ति करने के लिए। और मैं राधा माधव से ये प्रे करूँगी कि वो आपको खूब भक्ति दे, आपको भक्ति में लाए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हरे कृष्णा, राधे राधे, ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद।